नमस्कार, मैं अभिजीत छारिया और आप देख रहे हैं पांचजन न्यूज का डिजिटल चैनल। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों को पूरे साल इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है और वह महीनों पहले ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। भगवान गणेश के स्वागत के लिए घर से लेकर मंदिर और पांडालों तक विशेष सजावट भी की जाती है। प्रति वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है, जो 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका समापन होता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को है और गणेश विसर्जन 17 सितंबर को किया जाएगा। गणेश उत्सव के दौरान भक्तगण बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूरे 10 दिन तक विधि विधान के साथ गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक अथवा शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। शादी विवाह का अवसर हो या गृह प्रवेश, किसी त्योहार की पूजा हो या माता की चौकी अथवा मुंडन संस्कार, ऐसे शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि भगवान गणेश हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता तथा रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है और मान्यता है कि इसके स्मरण, ध्यान, जाप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही साथ हर प्रकार के विघ्नों का भी विनाश होता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार सभी देवी देवताओं से पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है और कोई भी अच्छा काम गणेश जी का नाम लेकर या गणपति वंदना कर ही शुरू किया जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि पूजा, आराधना, अनुष्ठान तथा अन्य किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले बेहतर योजना, दूरदर्शी निर्णय तथा कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले बुद्धि का उपयोग आवश्यक है और गणेश को बुद्धि, समृद्धि एवं सौभाग्य का देवता माना गया है। उनकी पूजा करने से कोई भी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय क्यों है? इस संबंध में कई पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग कारणों का वर्णन मिलता है, लेकिन प्रत्येक ग्रंथ में उन्हें प्रथम पूजनीय देव ही कहा गया है। विभिन्न ग्रंथों के अलग अलग व्यावहारिक पक्ष देखें तो गणेश ही पहले देवता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चूंकि गणेश जी की पूजा के बिना मांगलिक कार्यों में किसी भी दिशा से किसी भी देवी देवता का आगमन नहीं होता, इसलिए प्रत्येक मांगलिक कार्य और पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के संबंध में शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने ही गणेश जी को प्रथम पूजा का वरदान दिया। शिव महापुराण में इस बारे में एक कथा का वर्णन भी किया गया है। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव और गणेश के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। जब देवी पार्वती ने शिव को बताया कि गणेश उनके ही पुत्र हैं, तो पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सर जोड़ दिया। धड़ पर हाथी का सिर जोड़े जाने पर देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मेरे पुत्र को इस रूप में कौन पूजेगा। तब भगवान शिव ने गणेश को वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं की पूजा तथा प्रत्येक मांगलिक कार्यों से पहले गणेश की ही पूजा की जाएगी। इसके बिना प्रत्येक पूजा अथवा कोई भी कार्य अधूरा ही रहेगा। गणेश जी की प्रथम पूजा को लेकर एक और पौराणिक कथा भी बेहद प्रचलित है। देवताओं के बीच एक बार इस बात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी। सभी देवता गण स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। विवाद ज्यादा बढ़ने की स्थिति में देवर्षि नारद ने सभी देवताओं को भगवान शिव की शरण में जाने का परामर्श दिया। नारद मुनि की सलाह मानते हुए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और इसका समाधान करने की विनती की। शिव ने गंभीर रूप धारण कर चुके इस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं से अपने वाहन पर बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा और बताया कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले उनके पास पहुंचेगा, पृथ्वी पर उसकी ही पूजा सबसे पहले की जाएगी। भगवान शिव की आज्ञा मिलते ही समस्त देवतागण अपने अपने वाहन पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार नहीं हुए, बल्कि वह सभी देवताओं के जाने के बाद ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता के चारों ओर ही परिक्रमा करते रहे। उन्होंने माता पिता के चारों ओर कुल 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर भगवान शिव के समक्ष वापस लौटे तो उन्होंने गणेश जी को ही वहां खड़ा पाया। अब बारी थी भगवान शिव द्वारा प्रतियोगिता के विजेता को घोषित करने की। शिव ने जब गणेश जी को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया तो
तो सभी देवताओं को घोर आश्चर्य हुआ कि वे सभी तो पूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए हैं जबकि गणेश यहीं पर खड़े हैं। फिर भगवान शिव ने उन्हें विजेता घोषित क्यों किया? सभी देवताओं की जिज्ञासा का समाधान करते हुए तब शिव जी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और गणेश ने चूंकि अपने माता पिता की परिक्रमा की इसलिए वे ही सभी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय हैं। भगवान शिव के तर्क पर सहमत होते हुए सभी देवताओं ने उनके इस निर्णय को स्वीकार किया और मान्यता है कि तभी से पृथ्वी पर गणेश जी की पूजा सबसे पहले होने लगी।